जुड़ी बड़ी खबर ये कि हाथरस मामले पर एक बार फिर कांग्रेस की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हाथरस के लिए निकले हैं। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस रवाना। डीएनडी पर लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। डीएनडी पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। ये तस्वीरें भी बस अब कुछ ही देर में हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि आज एक बार फिर से ये राजनीतिक ड्रामा शुरू हो चुका है कांग्रेस की तरफ से। डीएनडी पर भारी जाम भी लगा हुआ है। भारी समर्थकों के साथ हाथरस के लिए रवाना हुए हैं कांग्रेस के कई नेता, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी। आप देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो कि हाथरस के लिए निकल चुके हैं और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उनके साथ हैं, लेकिन डीएनडी पर इसकी वजह से भारी जाम लगा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में डीएनडी पर ही मौजूद हैं। तो जैसा कि लगातार हम इस पूरे मामले पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कैसे इस पूरे मौके पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि, ये तस्वीरें हमने एक दिन पहले भी देखी थी और आज फिर से देख रहे हैं और फिर कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लिए ये विषय सिर्फ और सिर्फ राजनीति का है, क्योंकि ये ड्रामा तो यही कह रहा है। रवि, चलिए रवि से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा कट गया है। लेकिन पीयूषा, मुझे बताया जा रहा है वो भी हमारे साथ, जो कि डीएनडी पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां से जाम की खबर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। पीयूषा, तस्वीरों के साथ अपडेट बताएं वहां का। जी शिरीन, देखिए सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, क्योंकि ये जैसे ही खबर आई कि आज फिर राहुल गांधी हाथरस की तरफ जाएंगे, तब से तैयारियां सुबह से ही शुरू कर दी गई थी। और इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी भारी संख्या में है, और जैसे जैसे राहुल गांधी के आने की खबर आ रही है यहाँ पर और भी ज्यादा लोग जो है वो जुट रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि पुलिस बल की तरफ से भी पूरी पुलिस और देखिए ये अब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी जो कि मिलने के लिए परिवार से पहुंचे, और डीजीपी अब से थोड़ी देर में शायद इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे, अपनी तरफ से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मिलने के लिए पहुंचे, पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया, वहां पर पहुंचकर उन्हें ये आश्वस्त किया कि इंसाफ जरूर मिलेगा, न्याय इस मामले में होगा, जो भी कोशिश हो सकती है, जो भी मुमकिन वो परिवार के लिए भी किया जाएगा और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश लगातार हो रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर पहुंचे और बातचीत परिवार के साथ की। राजू राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, क्या डिटेल वहां से? और देखिए सरीन, अभी डीजीपी और अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी परिवार से लगभग 40 मिनट तक मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो निकले हैं। 3:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब दे। जब वो परिवार से मिलने पहुंचे थे तो हमने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा, सर परिवार का लगातार कई आरोप है, जिसको लेकर डीएम को लेकर आरोप है, पुलिस को देरी को लेकर है, पुलिस की लापरवाही को लेकर। तो उनका कहना था कि 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम उन सवालों को जवाब दिया जाएगा जो लगातार पिछले कुछ दिनों से विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तमाम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे। अभी लगभग 40 मिनट तक मुलाकात की और मुलाकात के बाद बाहर निकले। अब देखना होगा कि जो परिवार लगातार ये कह रहा था कि वो नार्को टेस्ट नहीं करवाना चाहता, इसको लेकर क्या बातचीत हुई है, कुछ देर के बाद साफ हो जाएगा। वहीं यहां पर अब तस्वीरें देखिए, जो परिवार के लोग हैं मुलाकात के बाद यहां पर लगातार उनका परिवार का बयान लेने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि परिवार से क्या बात हुई, जो मांगी गई थी उसको लेकर परिवार कितना खुश है। ये देखिए परिवार से लगातार बातचीत की जा रही है। जी राजू, तो ये राजू राज हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे पीड़ित परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा। जी जी, बात पूरी करिए, बताइए राजू।
देखिए देखिए सिरिन, जो परिवार लगातार दो मांगे कर रहा था कि लगातार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, डीएम के तरफ से जो लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसको लेकर परिवार तमाम आरोप लगा रहे थे और इसी का जवाब चाहिए था उनको, कहना था कि उन्हें इंसाफ चाहिए। क्योंकि नार्को टेस्ट की बात सरकार ने की थी और परिवार ने सुबह जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहते क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार परिवार अपनी मांग को लेकर बैठा था। उनसे बातचीत की, उन्हें क्या आश्वासन मिला कुछ देर में साफ हो पाएगा, लेकिन 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है तमाम जो आरोप लग रहे थे उसका जवाब दिया जाएगा जाहिर तौर पर। तो यानी कि 3:30 बजे अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से होगी तब बहुत कुछ साफ होगा कि परिवार से आज जब बातचीत हुई तो क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन हम दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक इस पूरे मामले पर हो रही राजनीति की, तो दूसरी तरफ अब परिवार से मिलने के लिए यूपी के डीजीपी पहुंचे, उससे जुड़ी हुई पीयूषा मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ी हुई है। पीयूषा, अब डीएनडी पर क्या हालात है, क्योंकि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर है और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए, कैसी और तस्वीर क्या और वहां से इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए शिरीन, जितनी भारी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उससे कई ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी इस वक्त मौजूद है और सुबह से ये मौजूद है। डीएनडी तक तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनका काफिला आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे जा पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी तरह से डीएनडी को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से किसी के भी निकलने की आगे संभावना नहीं है और यहाँ पर सुबह तक तो फिर भी कुछ लेन्स जो थी वो वहां से लोगों को जाने दिया जा रहा था ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो लोग डीएनडी से आगे जाने वाले थे उनको अलग से डाइवर्ट किया क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लग रहा था, यहाँ पर लोग सुबह से परेशान हो रहे थे जाम के चलते, इसलिए उनको रूट डाइवर्ट किया गया है, लेकिन डीएनडी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। अगर तस्वीरों में हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल शील्ड बना दी गई है यहाँ पर पुलिस कर्मियों की और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, अधिकारी से लेकर हर कोई यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी छोटी सी भी चूक की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, किसी के यहाँ से निकलने की आगे गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से आगे राहुल गांधी और उनका काफिला हाथरस की तरफ निकल पाए। पिछली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ से आगे चले गए थे यमुना एक्सप्रेस वे पर, उनको रोका गया था और तस्वीरें पिछली बार कुछ ऐसी नहीं थी, पुलिस बल भी कम मौजूद था और ये कोशिश की गई थी कि बातों से उन्हें समझा करके यहाँ रोक दिया जाए ताकि वो आगे ना जाए, लेकिन फिर भी पिछली बार क्योंकि आगे तक निकल गए थे इसलिए इस बार बातों के साथ साथ यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है ताकि बिल्कुल भी सिक्योरिटी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भी गुंजाइश यहाँ पर ना छोड़ी जाए कि कोई भी जो लोग हैं आम जनता उससे परेशान हो और यहाँ से आगे जो काफिला है राहुल गांधी का वो ना जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी सुबह से यहाँ पर है, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और राजनीति हुई है और राजनीतिक सियासी ड्रामे की तैयारी तो कांग्रेस ने भी पूरी कर ली है। जो इस डीएनडी से होकर हाथरस तक पहुंचने की कोशिश, यहाँ से राहुल गांधी और उनके जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खुद प्रियंका वाड्रा वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाथरस का अब फिर से रुख करेंगे। राजू राज मेरे साथ हैं। राजू राज, आज डीजीपी जब मिलने पहुंचे तो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर वो इसीलिए थी क्योंकि परिवार की तरफ से पुलिस पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था, डीएम पर आरोप लगाया जाता रहा था कि कैद कर दिया है परिवार को। आज जब वहां पर डीजीपी मिलने पहुंचे उनसे तो क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर भी उनसे बात हुई, हालांकि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है? देखिए, जो तमाम आरोप लग रहे थे पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर, एसडीएम को लेकर, चाहे वो आरोप डेड बॉडी जलाने को लेकर हो, चाहे वो आरोप जो तमाम डीएम का जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर कि डीएम की तरफ से लगातार परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था, बयान बदलने को लेकर, मुआवजे को लेकर, इसकी शिकायत निश्चित तौर पर जो परिवार हैं वो अवनीश अवस्थी और डीजीपी के साथ उन्होंने किया और तमाम आरोप है जो भाई सब लोग बच्चे भूख गए। क्या क्या बात हुई है, उनकी माँ है पीड़ित परिवार की, उनकी माँ बात नहीं हुई कि क्या क्या उनके बयान से खुश अवस्थी जी यहाँ पर आए थे, डीजीपी साहब आए थे, तो निश्चित तौर पर देखिए अभी परिवार फिलहाल मीडिया से बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार है। उनका कहना था कि जो डीएम को लेकर शिकायत थी उसको लेकर अभी भी नाराजगी है, लेकिन 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जो परिवार की तरफ से डिमांड की गई है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन क्या आश्वासन देता है। दूसरी बात, जो नार्को टैक्स को लेकर जो परिवार इसे इनकार करता रहा है कि वो नार्को के लिए तैयार नहीं है,
तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है, क्योंकि सरकार ने जब नार्को की बात कही थी, उनका कहना था सभी पक्ष, चाहे वो पुलिस हो, पीड़ित परिवार हो, चाहे आरोपी हो, सबका नार्को कराएगा। और चूंकि नार्को कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं होते, लेकिन पूरे मामले की जांच की दिशा जरूर तय होती है। लेकिन अब फिलहाल पीड़ित परिवार अब देख रहे हैं कमरे में बंद हो गया, फिलहाल मीडिया से बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल, जांच की दिशा तय करने में बहुत कारगर नार्को टेस्ट, लेकिन परिवार की तरफ से इसे लेकर इनकार अभी तक किया जाता रहा है। तो ऐसे में अब सवाल इसको लेकर भी होगा कि परिवार मानेगा या फिर नहीं। और इस पूरे मामले में परिवार जो शुरू से कह रहा था कि जो मौजूदा परिस्थितियों में जो जांच चल रही है राजू राज, उससे वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, परिवार जो जांच की बात है, उनका कहना था कि जो जिन आरोपियों को पकड़ा जाए, वो पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित जो आरोपी परिवार है, उनका कहना था, जो लवकुश के माँ बाप हैं, जब हमारी टीम ने, चूंकि जी न्यूज उस पूरे मामले में हर एक पहलू को दिखाने की कोशिश की है, चाहे आरोपी पक्ष हो या फिर विक्टिम परिवार हो या फिर प्रशासन के तरफ से, विपक्षी तमाम बातों को रख रहा है ताकि सच और झूठ के बारे में तस्वीर साफ हो जाए, जो बहुत बातें यहाँ पर चल रही थी। लेकिन नार्को की बात है तो नार्को से एक तस्वीर तो साफ होती है, नार्को करवाने के लिए निश्चित तौर पर कंसर्न लेना जरूरी होता है परिवार से, तमाम उन लोगों से। तो चूंकि इस पूरे मामले में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, आगे क्या कार्रवाई होगी, नार्को को लेकर क्या आगे प्रशासन का अगला कदम होगा, ये तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर जो परिवार का आरोप है, उस पर योगी सरकार हो, चाहे पर अवनीश अवस्थी यहाँ पर प्रमुख सचिव यहाँ पहुंचे थे, DGP पहुंचे थे, वो इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया, मुख्यमंत्री की तरफ से ये पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया कि जो भी इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, वो ऐसी कार्रवाई होगी कि एक मिसाल बनेगी, एक मिसाल तय करेगी बाकी मामलों के लिए। रवि त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये पूरे देश के लिए संवेदना का विषय है, लेकिन एकमात्र कांग्रेस ऐसी है, ये विपक्षी दल ऐसे हैं जिनके लिए ये संवेदना से इतर एक राजनीतिक सियासी ड्रामे से जुड़ी खबर है। उन्हें बस राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और देखिए, सियासी पर्यटन फिर से शुरू हो गया, उसका राउंड 2 आज DND पर। रवि, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आगे उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। कांग्रेस को लेकर जो राजनीतिक अब ड्रामेबाजी हो रही है, वो तस्वीर तो आप हर देख ही रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर कांग्रेस के लिए ये विषय क्यों आखिर सिर्फ राजनीति का है, सियासी पर्यटन की कोशिश क्यों की जा रही है। बार बार इस पूरे मामले पर सड़क पर पहुंचकर आखिर राहुल गांधी ये सियासी ड्रामा क्यों कर रहे हैं, जब वक्त है, इस वक्त जरूरत है संवेदना की, तो ऐसे मामले में सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने की बात क्यों कर रही है कांग्रेस, ये सवाल इस वक्त कांग्रेस से पूछे जाएंगे और जवाब भी देना होगा। राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका वाड्रा अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ निकल पड़े हैं, हालांकि अभी DND पर अटके हुए हैं, भारी जाम वहां पर लगा हुआ है, पुलिस बल भारी तैनात है, और पूरी कंडीशन जो इस वक्त वहां पर स्थिति है उसे संभालने के लिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। DND की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यूपी के DGP पहुंचे, क्योंकि परिवार को शिकायत थी पुलिस से भी, ऐसे में DGP का वहां पहुंचना, परिवार से बात करना और आश्वस्त करना कि न्याय जरूर होगा इस मामले में, इस मामले में इंसाफ का इंतजार परिवार कर रहा है, लेकिन इंसाफ मिलेगा जरूर। और अब से थोड़ी ही देर में, यानी कि 3:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसमें ये तमाम बातें साफ होंगी कि अब आखिर क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया और आगे की रणनीति पुलिस की इस पूरे मामले को लेकर क्या है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जी न्यूज आपको जो भी इस पूरे मामले में तस्वीरें दिखा रहा है, हम जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रिपोर्टिंग की ये तस्वीरें हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है वो पूरी तरीके से सही जानकारी है, और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम कोई भी ऐसी जानकारी आप तक नहीं पहुंचाएंगे जो हवा हवाई हो, जो सही तथ्यों पर ना आधारित हो। हमारी सारी रिपोर्टिंग निष्पक्ष है और सही तरीके से हर पहलू पर हम आपको एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो हाथरस की बेटी पर आप देखिए लगातार कैसे राजनीतिक गिद्ध बोझ हो रहा है। ये आखिर कब तक चलेगा, ये सवाल हम कांग्रेस से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों एक बेटी को न्याय के नाम पर ये सियासी पर्यटन करना चाहते हैं राहुल गांधी। आखिर क्यों इस तरह की सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आती कांग्रेस। जब जब बात बेटियों के साथ अन्याय की होती है तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक नजर आता है। कांग्रेस का प्रदर्शन न्याय के लिए है या फिर पब्लिसिटी के लिए? हम बार बार एक ही बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर कांग्रेस की पोल खोलने का काम करती है। ये राहुल गांधी के मंसूबों पर सवाल उठाती है, ये कांग्रेस के उन तमाम मंसूबों पर सवाल उठाती है जो एक बेटी के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अपना पक्ष कांग्रेस रखती है। लेकिन सही तस्वीर क्या है आप देखिए। प्रायोजित प्रदर्शन की पटकथा कैसे लिखी जाती है और उसका लेखक कौन होता है, तस्वीरें कहने के लिए काफी है। तो बेटी की मौत पर ये राजनीति का तमाशा क्यों? संवेदनाओं की जरूरत है यहां पर, लेकिन यहां तो पब्लिसिटी को पूरे पूरी तरीके से तवज्जो दे रहे हैं राहुल गांधी। देखिए वो तस्वीर है, ये दोनों तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। डीएनडी पर जाम की स्थिति, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए वहां पर। तो दूसरी तरफ हाथरस के लिए एक बार फिर से निकल चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन अभी भी अटके हैं डीएनडी पर। तो हाथरस से ये हर तस्वीर हम आपको पूरी जानकारी के साथ पहुंचा रहे, बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर और निष्पक्ष रिपोर्टें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।